दोस्तों कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड एक और वीडियो मैं लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी मशीन है तो उसे आपको सर्विस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास है हमारा सीपीयू, ये मशीन, हमें उसको 3 महीना 6 महीने में क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। सर्विस यानी हमें उसे क्लीन करना है, उसके अंदर जो डस्ट है, जैसे सीपीयू फैन के अंदर डस्ट है, एसएमपीएस के अंदर डस्ट है, मदरबोर्ड के ऊपर अलग अलग धूल जमा हो चुकी है, तो वो धूल हमें क्लीन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक ब्लोअर की। ये ब्लोअर मैंने ऑफलाइन में खरीदा है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजोन की लिंक आपके लिए छोड़ दी है जहाँ से आप उसे खरीद सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में ज़्यादा धूल है तो आप इसे क्लीन करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि धूल से आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस वीक होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हीट जनरेट होती है, ज़्यादा धूल अगर आपके कंप्यूटर पे जमा होती है, और अगर आप के कंप्यूटर में धूल है और आप 15 दिन के लिए कंप्यूटर बंद रखते हो, तो ऐसे में आपके कंप्यूटर को वो धूल बहुत बड़ा डैमेज भी कर सकते हैं, मतलब मदरबोर्ड के ऊपर जंग भी पकड़ने के चांसेस रहते हैं धूल के जरिए। तो इसके लिए आपको इसे क्लीन करना ज़रूरी है, हर 2-3 महीने के बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि ब्लोअर से क्लीन करो। बस कैसे क्लीन करना है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे इसके अंदर की धूल है या फिर सीपीयू के फैन के ऊपर की धूल है, मदरबोर्ड की धूल है, उसे कैसे साफ करते हैं प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हवा में बातें नहीं करूँगा, हवा के साथ बातें करूँगा, यानी इससे जो हवा आएगी उससे हम धूल क्लीन करने वाले हैं। मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं हार्डवेयर का ये वीडियो। So, दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम सीपीयू की धूल क्लीन करने वाले, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सीपीयू लेके आ चुका हूँ जिसमें धूल भरी पड़ी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये सीपीयू का जो फैन लगा है, ये फैन के ऊपर तो धूल दिखाई दे रही है, उसके नीचे जो हीटसिंक मेटल है उसमें भी बहुत ज्यादा धूल है, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे। तो ये धूल नॉर्मली किसी भी छोटे ब्लोअर से या ब्रश से क्लीन नहीं होने वाली जल्दी, मतलब होगी लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको, और उसे खोलना भी पड़ेगा, इस फैन को आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे क्लीन कर सकते हैं। और फैन कैसे निकालना है उसके लिए मैंने हार्डवेयर की ट्यूटोरियल में ऑलरेडी बताया है, लेकिन बिना फैन निकाले हुए भी धूल को हम क्लीन कर सकते हैं। साथ ही में एसएमपीएस के अंदर भी बहुत ज़्यादा धूल है, और ये पूरे कैबिनेट के अंदर आप नोटिस करोगे तो ग्राफिक कार्ड के ऊपर भी धूल है, यहाँ पे भी धूल है। तो ये सारी की सारी धूल अगर मैं क्लीन करना चाहता हूँ तो मैं ब्रश यूज़ करूँगा तो बहुत टाइम जाएगा, इससे अच्छा मैं यूज़ करने वाला हूँ ये जो ब्लोअर मैंने लिया है क्लीन करने के लिए। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये ब्लोअर से मैं कैसे क्लीन करूंगा, लेकिन इसे क्लीन करते समय थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। सावधानी ये कि आपको मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो धूल उड़ेगी पूरी की पूरी ये बाहर आने वाली है, और इसे क्लीन करने के लिए सीपीयू को आपको ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पे मतलब आपको धूल, जैसे ऑफिस में अगर आप क्लीन करोगे, मेरे कहने का मतलब है, तो ऑफिस में बाकी ये धूल उड़ेगी और बाकी चीज़ों पे जाकर बैठेगी। इससे अच्छा कि आप इसे थोड़ा सा बाहर ले लो सराउंडिंग में और उसे बाहर लेके आप क्लीन करो। वैसे ही मैं मेरे ऑफिस के गैलरी में लेके इसे क्लीन करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ऑफिस में नहीं क्लीन करूँगा, नहीं तो ये पूरा पूरा धूल यहाँ पे मतलब इससे उड़ेगा और यहाँ पे जाके बैठेगा, तो मेरा डबल काम बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा मैं इसे बाहर लेता हूँ, मास्क पहन लेता हूँ और इसे क्लीन कर लेता हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकली इसे मैं क्लीन करने के बाद दिखाऊंगा, क्योंकि इस मशीन का आवाज बहुत ज्यादा आने वाला है। ये जो गन है इसका काम क्या है हम देखने वाले, एयर ब्लोअर बेसिकली। तो चलिए देखते हैं अभी। तो अब यहाँ पे मैंने ये मशीन ले ली है, मास्क भी ले लिया दोस्तों, ये चालू भी हो रहा है, चेक किया मैंने। अब मैं मास्क थोड़ा सा ऊपर पहन लेता हूँ, ये प्रोटेक्शन के लिए ऐसा रख रहा हूँ। सीपीयू मैंने गैलरी में रखा है बाहर, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ, थोड़ी सी धूल आपको यहाँ पे ज्यादा दिखने वाली, मैं थोड़ा सा साफ करके पहले दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी धूल मैंने क्लीन की है, अभी ये सीपीयू पूरा पूरा साफ हो गया है। हाँ, थोड़ी बहुत धूल और भी है जो कि यहाँ पे इस फैन के साथ चिपक गई, उसे आपको ब्रश के साथ ही क्लीन करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली ब्लोअर से नहीं क्लीन हुआ है, तो उसे आप ब्रश के साथ क्लीन कर सकते हैं। थोड़ी बहुत धूल और बाकी है जो कि यहाँ पे इसके ऊपर जमा है, वो थोड़ा सा ऑयली टाइप धूल हो गई है इसके लिए। वो थोड़ी सी धूल ऐसी है कि वो हवा से नहीं निकली है, तो आप उसे ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि विद इन मिनट हमारा सीपीयू पूरा क्लीन हो चुका है। तो ये ब्लोअर से बहुत फायदे होते हैं जब आपके पास बहुत सारे सीपीयूज है, लाइक आपके एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या एक ऑफिस है जहाँ पे आपके 10-12 कंप्यूटर, तो आप ये ब्लोअर लेके फटाफट क्लीन कर सकते हैं सभी कंप्यूटर को, जिससे आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोस्तों, डेफिनेटली। तो इस ब्लोअर को अगर आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपके लिए दे दी है। सो कैसे लगा दोस्तों, डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसे यूज़ करना है इस एयर ब्लोअर को मैंने आपको बता दिया है, आपका काम बनता है कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हमारे और भी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप और वेबसाइट के लिंक दिए, वहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का कंप्लीट कोर्स हमने दिया है ISO सर्टिफिकेट के साथ, आप घर बैठे बैठे कंप्यूटर हार्डवेयर सीख सकते हैं।
जी आप बिल्कुल सीख सकते हैं, बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है हमारे पोर्टल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिए, ज़रूर चेक कर लेना। और इसे अगर खरीदना चाहते हो तो आप वो अमेज़न की लिंक भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।